रूपरेखा क्या होगी, कैसे होगी, इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला ने दी है। पिछले 100 दिन के सरकार के लक्ष्य को हमने भी अपना लक्ष्य समझा था और उसके आधार पर जब काम किया था तो उत्तर प्रदेश में पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है श्रम कल्याण परिषद ने। श्रम कल्याण परिषद ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जितने लाभार्थी पिछले 100 दिन से पहले, यानी कि इस सरकार के कार्यकाल से पिछले 70 सालों में काम हुआ श्रम कल्याण परिषद में, इतना ये वर्तमान के 100 दिनों में काम करके दिखाया। श्रम कल्याण परिषद की आज 28वीं बैठक हो रही है। इस बैठक में कहीं ना कहीं कई सारे अहम जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे श्रमिकों को लेकर के। अहम बात यह है कि सुनील भराला जब से इन्होंने इस विभाग की जिम्मेदारी संभाली है तब से श्रमिकों के लिए कई सारे जो महत्वपूर्ण कदम हैं वो उठाए गए हैं और अब आगे भी रणनीति तय की जाएगी क्योंकि सरकार अपने दूसरे टर्म में काम कर रही है और आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में श्रमिकों के लिए क्या किया जा सकता है इसको लेकर के आज चर्चा और विचार विमर्श होगा। फिलहाल हमारे साथ सुनील भराला जी खुद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज एक बहुत ही अहम बैठक आप लोगों की तरफ से की जा रही है, क्या रणनीति है, क्या तय करना है आगे के लिए और श्रमिकों के लिए और कौन कौन से जो नए नियम हैं, नए जो आयाम हैं वो तय करने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे? देखिए, श्रम कल्याण परिषद में जो लाभार्थ पाने वाले उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं उनको सही तरीके से लाभार्थ नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के, इन सारी गतिविधियों को लेकर के श्रम कल्याण परिषद, श्रम कल्याण बोर्ड जो है वो अथक प्रयास ये कर रहा है कि इसको, मरे हुए संगठन को पटरी पर ठीक से चलना शुरू कर दिए, ये मरे हुए बोर्ड को, इसको आगे बढ़ने का काम शुरू हो जाए। तो जो इसमें पिछली समय में जो अनियमितताएँ बरती गई हैं, पिछली सरकारों ने इसके साथ जो दुराचार किया है इस बोर्ड के साथ, तो इसका जो भार है और इसका जो समस्याएं उत्पन्न हैं, चाहे वो अधिकारी कर्मचारियों के मन मस्तिष्क में बैठा हुआ बोर्ड नहीं है, तो इस कारण से इसमें हमें अथक परिश्रम करना पड़ रहा है। इस बोर्ड को उठाने को लेकर के लगातार जो बैठके हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इस बोर्ड को बना रखा था केवल ये पिकनिक का बोर्ड था, ये माननीय अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों के लिए, लेकिन वे उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद तो ये पिकनिक बोर्ड खत्म हो गया है। अब ये श्रमिकों की समस्याओं और श्रमिकों के कल्याण और उसके उत्थान के लिए ये बोर्ड काम कर रहा है, तो उसे पटरी पे लाने के लिए अपने अधिकारियों के मन मस्तिष्क को बदलना पड़ रहा है मुझे, तो इसलिए लगातार हमारी एक के बाद ये बोर्ड की बैठक हो रही है। कौन कौन से वो प्रमुख जो कदम हैं आज उठाए जा सकते हैं श्रमिकों के लिए, क्योंकि आप लोग अभी जैसे कि आपने बताया कि संख्याओं को भी बढ़ाना है, रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ाना है, कई सारी कोशिशें जो हैं वो लगातार सरकार की तरफ से चल रही थी, विभाग को बेहतर करना है, दुरुस्त करना है काम को, तो श्रमिकों के लिए और कौन कौन से बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी 2 बड़ी चुनौती हैं इस बोर्ड के लिए। एक तो जो उत्तर प्रदेश में कारखाने और वाणिज्यकर दुकानें हैं उनके पंजीयन को लेकर के, उनके पंजीयन कैसे हैं, आय और वे सारे जो मुख्यमंत्री का निर्देश है ऑनलाइन करने की जो सुविधा दी गई है, निदेशक कारखाना की गंभीर लापरवाही के कारण से, अपनी गैर जिम्मेदारा काम करने के कारण से ये श्रमिकों की मौत हो रही है, जिसको निदेशक कारखाना को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, इसलिए हम इसको भी आज गंभीरता से ले रहे हैं। फिर अभी हमने एक विशेष बैठक इसको बुलाई थी उसको लेकर के, कि उनके पंजीयन कैसे शुरू हो। दूसरा, यूनिफाइड नंबर उत्तर प्रदेश में हमारे लिए बड़ी चुनौती का रूप, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं पूर्व भारतीय मजदूर संघ के, उनके द्वारा जो ये एजेंडा लाया गया था, मुद्दा लाया गया था, तो उस मुद्दे के आधार पर उत्तर प्रदेश में कारखानों के काम करने वाले
श्रमिकों के पंजीयन कैसे होंगे, उनको यूनिफाइड नंबर कैसे मिलेगा, उत्तर प्रदेश के समस्त डीएलसी एएलसी श्रम परिवर्तन अधिकारी की बैठक अभी हम तय करेंगे कल या परसों को, सबको बुलाएंगे इनको को, इस प्रकार से वो किस प्रकार से प्रारंभ होगा, यूनिफाइड नंबर का उसका कैसे ये क्रियान्वयन में आएगा। तो ऐसे दो और उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए श्रवण कुमार श्रमिक तीर्थ और धार्मिक पर्यटन यात्रा, उसको और तेजी से कैसे क्रियान्वयन में लाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के ये बोर्ड की बैठक बुलाई गई। मेरा एक आखिरी सवाल है, उपचुनाव है दो सीटों पर, दो प्रमुख सीटों पर, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, क्या कहना है इस पर, उनका कॉन्फिडेंस काम आएगा ये कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो और कॉन्फिडेंस में चेंज होगा क्योंकि अखिलेश यादव भी वहां तक नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह यानी कि विपक्षी पार्टियों की जो उनकी कार्यशैली उस पर विश्वास नहीं करती है। हम जनता में सेवा करने का मादा रखते हैं और काम करते हैं और उसके आधार पर हम जनता पर छोड़ते हैं कि अगर हमने अच्छा काम किया होगा जनता की नज़र में, जैसे हमारा अच्छा काम करने पर सरकार हमारी बनाई, श्री योगी आदित्यनाथ जी को दूसरे बार मुख्यमंत्री बनाया, हमारे अच्छे काम पे हमारी पार्टी ने हमें दूसरा कार्यकाल दिया, तो इसी प्रकार से हम भी ये भी हमने जनता पे छोड़ा है। मैं कभी झूठे वादे और झूठी घोषणा नहीं करता हूँ, अगर जनता के लिए हमने आजमगढ़ और रामपुर में अच्छा काम किया होगा तो वहाँ की दोनों की लोकसभा हम जीत करके आएंगे और जनता को फिर हम आभार व्यक्त करें। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे सुनील भराला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में श्रमिकों के लिए क्या बेहतर हो सकता है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी और इसी तरह से ये बैठकें चलती रहेंगी क्योंकि हमें श्रमिकों के और श्रमिकों के उद्धार के लिए